हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड पे। हाँ, फर्दर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के साथ, अभी कंटिन्यू रखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन, यहाँ देखिए क्या है, सेक्शन 55 से 59 तक, क्योंकि ऑलरेडी 54 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं पूरा डिटेल में। दैट मीन्स कि इंट्रोडक्टरी पोर्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, इंटरप्रिटेशन क्लाउज, डिक्री, ऑर्डर, उसका एक एक पाठ पुर्जा को तोड़ तोड़ के समझाएं आप लोगों को। टाइम लगता है समझाने में, वीडियो लंबा होगा, वीडियो बनाने में समय लगता है, इसलिए आप लोग कभी भी ये बात मत सोचिएगा अपने माइंड में कि सर सिविल प्रोसीजर कोड छोड़ दिए। नहीं छोड़े हैं, लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे 55 से 59 तक। तो 54 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए, नहीं देखे हो जाके चैनल का प्लेलिस्ट सर्च करो, सिविल प्रोसीजर कोड का मिल जाएगा वहाँ पे। बहुत सारा वीडियो का लिंक तो आपको हम आई बटन में दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेकआउट करो। ऑर्डर तो पूरा कंप्लीट करवा दिया आप लोगों का। अगर अभी तक, ये तो होगा सिविल प्रोसीजर कोड, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो करो यार, जल्दी से करो, क्योंकि अनअकैडमी पे अभी हम लोग चल रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के साथ और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पैनल कोड, ये सब कितना मेजर पेपर है आपको खुद पता है अगर आप जुडिशियल एस्पायरेंट हो तो चारों पेपर को लेकर चल रहे हैं। 9 बजे ठीक हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं विथ इंडियन पैनल कोड, तो 9 बजे मिस मत कीजिएगा। आज भी हम आएंगे 9 बजे इंडियन पैनल कोड के साथ। अनअकैडमी पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को डील कर रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट को डील कर रहे हैं शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो आप वेट मत करो, वेट कर दोगे तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो। हाँ, एक चीज और, जो लाइव क्लास हो रहा है हमारा अभी, तो लाइव क्लास फ्री है, लाइव क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाइव क्लास फ्री है। लेकिन एक समस्या है, अब आप बोलोगे सर समस्या क्या है। समस्या ये है कि मेरा लाइव क्लास आपको तभी एविल होगा जब आप अप्लाई करोगे कोड, वो कोड है लॉ इज लाइफ। लॉ इज लाइफ एक अनलॉक कोड है, रेफरल कोड आप कह लो, अप्लाई करो और फ्री एक्सेस पाओ लाइव क्लास का। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, चेकआउट करो, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, मिस मत करो। कोई भी क्वेरी, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रहा है, डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम करो। आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाए हो तो जुड़ जाओ जल्दी से, आप हर एक बात पे लॉ से रिलेटेड अपडेट रहोगे। टेलीग्राम से जुड़ोगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ डेली एमसीक्यू अपलोड होता है पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको बहुत मदद करेगा प्रीलिम्स में। तो यार इंतजार मत करो, जल्दी से फॉलो करो। तो चलिए बिना बकवास अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है सेक्शन 55, सेक्शन 55 और से लेके सेक्शन 59, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर 55 के सब सेक्शन 1 के साथ चले, सब सेक्शन 1, तो क्या कहता है सब सेक्शन 1 कि जजमेंट, पहले तो 55 को हम आपको समझाएं, उसके पहले एक चीज़ और कि 55 के साथ आपको सेक्शन 36 को भी देखना होगा और 51 को। अब ऐसा क्यों, देखो समझाते हैं कि कैसे इंटरकनेक्ट है ये तीनों सेक्शन। 36 क्या कहता है, एग्जीक्यूशन के मीनिंग के बारे में बताता है कि डिक्री एग्जीक्यूट कैसे होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा। ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट होता है सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये होगा कंप्लीट एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग नॉलेज आपको देगा सेक्शन 36। उसके बाद 51 क्या बताता है कि एग्जीक्यूट जो डिक्री होगा वो होगा कैसे, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो 51 बता रहा है, पूरा प्रोसीजर बता रहा है, बाय अरेस्ट, बाय डिटेंशन, बाय अटैचमेंट और सेल, बाय सेल विदाउट अटैचमेंट, तो बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो जो मोड्स है वो 51 में बताया गया है, पूरा डिटेल में बताया है 51 को भी, 36 को भी, देखिए जाके चेकआउट कीजिए। तो अब आता कि मान लो कि डिक्री अगर एग्जीक्यूट होना है बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। मान लो किसी जजमेंट डेटर के खिलाफ, एकदम कहानी की तरह बात को समझिएगा, किसी जजमेंट डेटर के खिलाफ डिक्री पास हो गया तो डिक्री एग्जीक्यूट होगा, तभी तो फल मिल पाएगा ना डिक्री होल्डर को। डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर डिक्री का क्या फायदा, नहीं कोई फायदा। तो अगर मान लो डिक्री में कहा गया बात को जजमेंट डेटर नहीं मान रहा, तभी तो डिक्री एग्जीक्यूट होगा, और जब एग्जीक्यूट होगा तो डिक्री होल्डर एग्जीक्यूट कराना चाहता है बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो कैसे होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट सबसेक्शन 1 को चेकआउट करोगे, देखो बेयर एक्ट को भी निकालो तो आप, आज आप लोगों बेयर एक्ट का ही हेल्प लेके बताते हैं, और बोर्ड पे जो लिखा हुआ कोर पॉइंट है उसे तो याद ही कर लीजिएगा। तो क्या कहता है, जजमेंट डेटर को कभी भी अरेस्ट किया सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट एनी आवर एंड ऑन एनी डे। यस, जजमेंट डेटर को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट एनी आवर ऑन एनी डे, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दिन।
चलो अरेस्ट तो कर लिया गया, उसके बाद क्या किया जाएगा? तो कहता है शैल सून एज प्रैक्टिकल बी ब्राउट बिफोर द कोर्ट, अरेस्ट करने के बाद उसको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, कर दिया गया उसके बाद। एंड हिज डिटेंशन मे बी इन सिविल प्रिजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कोर्ट ऑर्डरिंग डिटेंशन इज सिचुएट, प्रोड्यूस हुआ जजमेंट डेटा उसके बाद क्या किया जाएगा? तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उसको डिटेन कर लिया जाए। जजमेंट डेटर जैसे अरेस्ट हुआ इन एग्जीक्यूशन डिक्री और प्रोड्यूस हुआ बिफोर कोर्ट, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? उस जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में डिटेन करने का ऑर्डर दे देगी। तो ये सिविल प्रिजन होना चाहिए इस कोर्ट के लोकल लिमिट्स के अंतर्गत, इट्स ये जो कोर्ट ऑर्डर कर रहा है डिटेंशन का, उस कोर्ट के लोकल लिमिट के अंतर्गत होना चाहिए ये सिविल प्रिजन। अब मान लो कि ये सिविल प्रिजन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि अगर मान लो ये सिविल प्रिजन अफोर्ड नहीं कर पा रहा सुटेबल एकोमोडेशन टू दी जजमेंट डेटर, सुटेबल एकोमोडेशन अगर नहीं दे पा रहा है जजमेंट डेटर को अगर ये प्रिजन, तो फिर जजमेंट डेटर को कहाँ डिटेन किया जाएगा? तो कहता है कि जजमेंट डेटर तब इस सिचुएशन में डिटेन होगा उस प्लेस पे जो डिक्लेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां कह रहा है ना इफ सच सिविल प्रिजन एज अफोर्सेड, ये जो सिविल प्रिजन है अगर अफोर्ड नहीं किया सुटेबल एकोमोडेशन, रीजनेबल एकोमोडेशन, तो फिर क्या होगा? जजमेंट डेटर को कहां रखा जाएगा? तो उस जगह पे रखा जाएगा जो तय करेगा स्टेट गवर्नमेंट। सीधा सीधी बात है, कितना इजी समझ में आ गया बात। इस तरीके से तोड़ तोड़ के समझाना पड़ता है आप लोगों को ताकि आप लोगों को पूरा मैटर समझ में आए। उसके बाद देखो इसका चारों प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चारों प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहता है कि नो अरेस्ट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जजमेंट डेटर को कभी भी वाइल एग्जीक्यूटिंग डिक्री अरेस्ट नहीं किया जा सकता है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सूर्य अस्त के बाद सूर्य उदय के पहले अरेस्ट कभी नहीं होगा जजमेंट डेटर, सीधा तौर पर कह दिया। अब प्रोविजो टू देखो, प्रोविजो टू को कहते समझाए उसके पहले क्या कहता है समझ लो, बेयर एक्ट को निकाल के देखो क्या कह रहा है। बेयर एक्ट को आप जरूर देखो, अपने पास लेक्चर को जब भी सुन रहे हो मेरा तो देखो बेयर एक्ट को, लैंग्वेज समझ में आएगा, पकड़ में आएगा, आपको पढ़ना समझ में आएगा बेयर एक्ट को। वीडियो भी बना चुके हैं कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ना होता है। हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं, क्या है कि अगर मान लो कि जजमेंट डेटर उस ड्वेलिंग हाउस में है, जजमेंट डेटर ड्वेलिंग हाउस में रहता है, ड्वेलिंग हाउस होता है जहाँ पे लोग अपने रहन सहन के लिए रहते हैं, है ना, जहाँ पे अपना वो आशियाना बसाते हैं उसको कहते हैं ड्वेलिंग हाउस। तो अगर मान लो कि ड्वेलिंग हाउस एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में है जजमेंट डेटर का ही, मतलब वो जो ड्वेलिंग हाउस है वो जजमेंट डेटर के पजेशन में ही है, और जब ऑफिसर आती है उसको अरेस्ट करने के लिए वेल एग्जीक्यूटिंग डिक्री, तो यहाँ पे क्या क्या कर सकती है वो ऑफिसर जो एग्जीक्यूट कर रही है डिक्री को? तो कहता है सबसे पहले तो ये होगा, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप कि जजमेंट डेटर को अफोर्ड करना होगा रीजनेबल फैसिलिटी कि उसको कोई दिक्कत ना हो अरेस्ट करने दे, वो अपने आप को खुद से कोई बाधा उत्पन्न ना करे, फ्री एक्सेस दे उसको, रीजनेबल एक्सेस दे उसको पर्सन एग्जीक्यूटिंग सच अ डिक्री। और अगर नहीं देगा तो, अगर ऑब्स्टेकल कर रहा है तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में, अगर जजमेंट डेटर ऑब्स्टेकल उत्पन्न कर रहा है तो फिर क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में जज जो ऑफिसर है कोर्ट का वो आउटर डोर को भी तोड़ सकता है ड्वेलिंग हाउस का। अगर ऑब्स्टेकल उत्पन्न कर रहा है डिक्री के एग्जीक्यूशन में जजमेंट डेटर, तब इस सिचुएशन में क्या कर सकता है ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग डिक्री, वो ड्वेलिंग हाउस का आउटर डोर को भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा जजमेंट डेटर खुद को अरेस्ट होने में, तो फिर इस सिचुएशन में कभी भी आउटर डोर नहीं तोड़ेगा, आउटर डोर कभी नहीं तोड़ सकता पर्सन एग्जीक्यूटिंग डिक्री। समझ में आया बात? उसके बाद देखो क्या कहता है, ये तो एक पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ देखो सेकेंड प्रोविजो का, कि अगर मान लो आउटर डोर तोड़ के भी घुस गया या रीजनेबल एक्सेस मिला तो घुस गया, वो बिना किसी ऑब्स्टेकल का वो घुस तो गया, लेकिन अब जब घुस गया है तो अब ऐसा रीजनेबल बिलीफ बनता है पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री, उसको ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी कोई रूम है पार्टिकुलर, उस रूम में जजमेंट डेटर छुपा हुआ है, अगर ऐसा रीजनेबल बिलीफ बनता है पर्सन हु एग्जीक्यूट डिक्री, तो फिर वो बिना किसी कंडीशन का उस डोर को, दरवाजे को तोड़ देगा, जो इनसाइड दी हाउस किसी रूम का दरवाजा है उसको तोड़ देगा, जिस
रूम में ऐसा बिलीफ है उस पर्सन का जो एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री कि जजमेंट डेटर उस रूम में है, तो फिर उस डोर का उस डोर को तोड़ेगा, उस रूम का डोर को तोड़ सकता है, इनर रूम का डोर को तोड़ सकता है और तोड़ के फिर जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लेगा। तो सेकेंड प्रोवाइजो पूरा समझ में आ गया। अब सिचुएशन नंबर थर्ड, प्रोवाइजो थर्ड, अब मान लो कि वो जो ड्वेलिंग हाउस है वो उस वुमेन के पोजिशन में है जो अकॉर्डिंग टू दी यूजेज एंड कस्टम ऑफ द कंट्री अपेयर नहीं हो सकती पब्लिक में, तो फिर कैसे डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा? तो फिर यहाँ इस सिचुएशन में जो डिग्री एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है डिग्री वो पर्याप्त फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा उस पर्दानशीन वुमेन को जो अपेयर नहीं हो सकती है पब्लिक में कि आप रूम छोड़ के चले जाओ, आप हाउस छोड़ के चले जाओ। उसके बाद वो डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा और अरेस्ट करेगा जजमेंट डेटर को, ऐसा सिचुएशन होगा अगर, तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा। समझ में आ रहा है पूरा बात? देखो तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं एक बात कि कब आउटर डोर को तोड़ेगा, कब नहीं तोड़ेगा, कब इनर रूम का डोर को तोड़ेगा, ये सब बताया आपको एकदम अच्छे से। और ये सब तो कोर पॉइंट है, लिख लोगे तो याद ही रहेगा। उसके बाद कहता है चौथा प्रोवाइजो कि जजमेंट डेटर, अगर मान लो कि जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है डिक्री वो गया जजमेंट डेटर को अरेस्ट करने के लिए, और उस वक्त अगर जजमेंट डेटर, अगर डिक्री है फॉर दी पेमेंट ऑफ मनी, तो अगर जजमेंट डेटर पे कर दे डिक्रिटल अमाउंट, अगर जजमेंट डेटर जो डिक्रिटल अमाउंट है वो पे कर दे और जो कॉस्ट लगा है अरेस्ट में वो पे कर दे, तो इस सिचुएशन में तुरंत साथ ही साथ जो पर्सन अरेस्ट किया है वाइल एग्जीक्यूटिंग डिक्री वो जजमेंट डेटर को छोड़ देगा एट वंस, अगर डिक्रिटल अमाउंट पे कर देता है जजमेंट डेटर तो, और कॉस्ट ऑफ अरेस्ट पे कर देता है तो। ये था सबसेक्शन वन और उसका चार प्रोवाइजो, अभी तो खेल लंबा चलेगा, सबसेक्शन टू है। सबसेक्शन टू को समझाते हैं, देखिए सबसेक्शन टू क्या कहता है ये आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे पोर पॉइंट है बात समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से। चलिए सबसेक्शन टू की तरफ बढ़ते हैं, चलिए सबसेक्शन टू, एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए, जो चीज अगर इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना, तो उसका एक एक पाठ पुर्जा को समझना होगा, एक एक चीज को समझना होगा। सबसेक्शन टू, बेरेक्ट निकालिए तो आप लोग बेरेक्ट को भी हेल्प लीजिए, बेरेक्ट को तो पढ़ना सीख में आप सीख जाओगे कैसे पढ़ाता है। देखो क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हुज अरेस्ट माइट बी अटेंडेड विद डेंजर और इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अदरवाइज दैन इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लो कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अगर उसको अरेस्ट किया गया एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 सबसेक्शन 1, तो इससे क्या होगा, इनकन्वीनियंस होगा पब्लिक को, पब्लिक में खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो फिर वैसे लोगों को अरेस्ट कैसे किया जाएगा? तो कहता है सबसेक्शन 2, उस तरीके से किया जाएगा, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया जाएगा जो प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है ना। तो फिर किस प्रक्रिया के अनुरूप अरेस्ट होंगे वो लोग जिसको अरेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है, जो खतरा हो सकता है सोसाइटी के लिए या पब्लिक के लिए अगर अरेस्ट किया गया सबसेक्शन 1 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो फिर वैसे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपका सबसेक्शन 2। फिर आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3, बेरेक्ट को पढ़िए, बेरेक्ट को हमेशा याद रखिए, बेरेक्ट को हमेशा पढ़ते रहिए, बेरेक्ट को पढ़ना सीख गए जिस दिन उस दिन लॉ पढ़ना आ गया आप लोगों को, ये हमेशा बात याद रखिएगा कि सोनू सर बोलते थे कि बेरेक्ट को पढ़ना सीख गए तो लॉ पढ़ना आ गया। देखो सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 और 4 एक साथ ही पढ़ना जाता है, जी हाँ सबसेक्शन 3 और 4 एक साथ, कैसे, देखो दोनों का जो सब्जेक्ट मैटर है सेम है। देखो क्या कहता है, वेयर जजमेंट डेटर अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, अगर मान लो डिक्री जो है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी है और उस डिक्री के रिस्पेक्ट में जब एग्जीक्यूट किया गया डिक्री को तो उसको जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया गया
एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, और अरेस्ट करने के बाद कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिफोर कोर्ट, लाया गया जजमेंट डेटर को, एंड द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही मे अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब यहाँ कोर्ट क्या करेगा कि ये बोल सकता है जजमेंट डेटर को कि तुम अप्लाई कर सकते हो इस बात के लिए कि अपने आप को तुम घोषित करवा लो कि तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम इंसॉल्वेंट हो, इसके लिए तुम अप्लाई करो और खुद को डिक्लेयर करो कि इंसॉल्वेंट हो। ऐसा क्यों कह रही है कोर्ट? इसलिए कह रही है दैट ही मे बी डिस्चार्ज, ताकि वो हो सकता है डिस्चार्ज हो जाए अगर ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी एक्ट ऑफ बैड फेथ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड इफ ही कंप्लाइज विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सिंपल है, जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एंड डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। डिक्री का नेचर समझ में आना चाहिए कि डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, और उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया, कोर्ट में लाया गया। तो उसके बाद कोर्ट उसको बोलेगी कि जजमेंट डेटर देखो, तुम अप्लाई कर सकते हो इस बात के लिए कि तुम खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, और अगर तुम अप्लाई करते हो, खुद को घोषित कर लेते हो इंसॉल्वेंट, और तुमने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया जो बैड फेथ के नेचर का है, तो फिर तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। समझ में आया बात? अब देखो सबसेक्शन 4, यहां तो इतना बात कहे कि कोर्ट चुप हो गया, उसके बाद देखो सबसेक्शन 4। अगर मान लो जजमेंट डेटर इंटेंशन जाहिर कर दिया कोर्ट को कि नहीं, हम अप्लाई करना चाहते हैं खुद को घोषित करने के लिए इंसॉल्वेंट, और सिक्योरिटी भी फर्निश किया कोर्ट को कि जब जब कोर्ट हमको बुलाएगी, सिक्योरिटी फर्निश करना विद इन 1 month, जिस डेट को एप्लीकेशन फाइल्ड हुआ है उस डेट से 1 महीने के भीतर सिक्योरिटी फाइल करना है। और सिक्योरिटी फाइल क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है जजमेंट डेटर के द्वारा? ताकि कोर्ट को जजमेंट डेटर ये बता सके कि कोर्ट जब जब हमको बुलाएगी तब तक हम आएंगे। उसके बाद देखो क्या होगा, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको रिलीज कर देगी, मैं रिलीज हिम फ्रॉम अरेस्ट से छोड़ देगी, उसको रिलीज कर देगी। एंड इफ ही, लेकिन अगर वो फेल हो गया अप्लाई करने में, या फेल हो गया अपेयर होने में, तो फिर क्या होगा, कोर्ट या तो डायरेक्ट करेगी सिक्योरिटी टू बी रिलीज्ड, सिक्योरिटी को रिलाइज्ड कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी को दिया था, कोर्ट क्या करेगी सिक्योरिटी को जब्त करने का ऑर्डर देख सकती है, या फिर बोलेगी कि उसको डालो सिविल प्रिजन में। दो ही चीज़ होगा। देखो सबसेक्शन 3 क्या हो रहा है कि कोर्ट बोली, जैसे जजमेंट डेटर को लाया गया तो कोर्ट उसको बोली कि तुम अप्लाई करो, अगर तुम अप्लाई करते हो खुद को डिक्लेयर करने के लिए इंसॉल्वेंट, और तुम डिक्लेयर हो जाते हो, और तुमने कोई एक्ट नहीं किया ऐसा बैड फेथ का नेचर वाला, तो तुम डिस्चार्ज हो जाओगे। क्लियर समझ में आ गया? 4 कहता है कि अगर मान लो जजमेंट डेटर ये इंटेंशन शो किया कोर्ट को कि हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस डेट को अप्लाई किया उस डेट से अगर 1 महीने के भीतर सिक्योरिटी दे दिया कि कोर्ट जब जब हमको बुलाएगी हम तब तक कोर्ट में आएंगे, है ना, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उसको डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन अगर मान लो अप्लाई नहीं करता जजमेंट डेटर, या फिर वो जब कोर्ट बुलाई तब नहीं आया जजमेंट डेटर, तो क्या कर सकती है कोर्ट? 2 ऑप्शन है कोर्ट के पास, या तो वो रियलाइज्ड कर लेगी सिक्योरिटी को, दैट मीन्स कि जब्त कर लेगी, फोरफिट कर लेगी सिक्योरिटी जो दिया था जजमेंट डेटर, या फिर जजमेंट डेटर को बोलेगी कि उसको डालो जेल में, सिविल प्रिजन में डालो, है ना। तो ये हो गया आपका सबसेक्शन 4। तो ये था पूरा सेक्शन 55, और सेक्शन 55 मेंस के प्रस्पेक्टिव से, मेंस एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से, जुडिशियल मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। अब तो बहुत इजी है सब, आगे बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है लेक्चर में, लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा है सिविल प्रोसीजर कोड का, तो शेयर कीजिए इसको जितना हो सके, शेयर कीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते लाइक कीजिए, बहुत लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है लेक्चर आपको, बात समझ में आती है आप लोगों को हमारी, शेयर करना है अपने ग्रुप में। अब चलते हैं 56 की तरफ, अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए बस, आके और किसी चीज़ पर फोकस मत रखिए, लाइफ में बहुत आगे निकल जाइएगा। सीधा देखिए क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। मतलब कि अगर मान लो, क्या कहता है 56, कोई वुमेन है, किसी वुमेन के खिलाफ डिक्री पास हुआ, और डिक्री है फॉर पेमेंट ऑफ मनी, तो फिर इस डिक्री के एग्जीक्यूशन में, जब इस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वुमेन को ना तो अरेस्ट कह सकता है, ना ही डिटेन कह सकता है। समझ में आया बात? ऐसे डिक्री को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा अगेंस्ट वुमेन, जो पास हुआ है जिसके अगेंस्ट, जिस महिला के अगेंस्ट, तो उस महिला को
ना तो अरेस्ट किया सकता है ना ही डिटेन किया सकता है सिविल प्रोसीजर में, प्रोहिबिट किया गया इस बात के लिए, सेक्शन 56 कर रहा है सीपीसी का। और इसके साथ कौन कौन सा सेक्शन देखना पड़ता है, यही मिलता जुलता बात प्रोहिबिशन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यही मिलता जुलता बात आपको 132 में मिलेगा, 133 में मिलेगा सीपीसी का, याद रखिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है 55 के बाद 56 के बाद 57। जल्दी से अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कीजिए। 57 में आ गए हम लोग। अब 57 कह रहा है सबसिस्टेंस अलायंस, देखो जजमेंट डेटर को तब तक अरेस्ट नहीं किया सकता इन एग्जीक्यूशन डिक्री जब तक जो डिक्री होल्डर है वो पे नहीं करेगा सबसिस्टेंस अलायंस। सबसिस्टेंस अलायंस जब तक, याद रखिएगा इस बात को, जब तक सबसिस्टेंस अलायंस पेड नहीं होगा डिक्री होल्डर के द्वारा तब तक जजमेंट डेटर को अरेस्ट नहीं किया सकता है। तो कहता है कि कितना होना चाहिए सबसिस्टेंस अलायंस, रहे जजमेंट डेटर को जो सिविल प्रिजन में रखा जाएगा तो उसको रखने में जो खर्च होगा वो खाएगा पिएगा जो भी कुछ करेगा तो उसके लिए पैसा कौन देगा, सरकार नहीं, डिक्री होल्डर को पे करना पड़ेगा, नहीं देगा तो चलो अरेस्ट नहीं होगा जजमेंट डेटर, नहीं डिटेन होगा सिविल प्रिजन में, यही है 57। तो सबसिस्टेंस अलायंस कितना होगा ये तय कौन करता है, ये तय करती स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा भी नहीं कि जजमेंट डेटर बोल दिया कि हमको 2 करोड़ चाहिए, 5 लाख चाहिए रहने के लिए, जेल में हम रहेंगे तो मेरा इतना खर्चा होगा इतना दिन तक रहेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, ये तय करता है स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। तो 57 को ऑर्डर 21 के साथ पढ़ना, ऑर्डर 21 रूल 39, याद रखिएगा 57 को हमेशा पढ़ा जाता है ऑर्डर 21 रूल 39 के साथ पढ़ा जाता है, याद रहेगा, ये हमेशा पूछा जाता है इसलिए बता दिए आपको। अब आता है नेक्स्ट, मजा आ रहा है लेक्चर में, लेक्चर में अगर मजा आ रहा है तो फिर शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लेक्चर को देखते देखते कमेंट मारिए कि सर मजा आ गया, पूरा हिल गया, पूरा सिस्टम हिल गया सर, समझ में पूरा बात आ गया हमको। अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए अब आता है डिटेंशन एंड रिलीज। अब डिटेन मार लो कर लिया गया, जजमेंट डेटर को समझाते हैं आपको पूरा मैटर को, 58 इंपॉर्टेंट है, डिटेंशन एंड रिलीज। अब मान लो कि जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया गया इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो क्या जीवन भर के लिए जजमेंट डेटर को रख लिया जाएगा जेल में सिविल प्रिजन में, कितना टाइम पीरियड के लिए रहेगा वो, इसका तो कोई पैमाना होगा, कोई मापदंड होगा, कोई लिमिटेशन होगा, वही बताता है 58। क्या कहता है देखो, बेर एक्ट निकाली जल्दी से, क्या कहता है, एवरी पर्सन डिटेन इन प्रिजन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी सो डिटेन। किसी भी जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया सिविल प्रिजन में अरेस्ट करने के बाद, तो वो सिविल प्रिजन में तब तक ही रहेगा, कब तक रहेगा, तो देखो ए नंबर पॉइंट क्या कहता है, कहता है वेयर द डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 5000। पॉइंट नोट कीजिए जल्दी से, पॉइंट नोट कीजिए, एक्सीडिंग 5000। जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश होता है, आपको पता ही था 55 बता रहा है, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर दी कि डिटेन कर लिया जाए उसको सिविल प्रिजन में, तो कब तक रहेगा वो जजमेंट डेटर सिविल प्रिजन में। तो कहता है कि ए नंबर पॉइंट की अगर डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, और जो मनी अमाउंट है वो है अगर 5000 से अधिक का, तो फिर कहता है यहाँ देखो क्या कहता है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, इज इट क्लियर, अगर डिक्रीटल अमाउंट एक्सीड कर रहा है 5000 से अधिक, तभी वो जजमेंट डेटर सिविल प्रिजन में डिटेंड रहेगा अप टू 3 मंथ, 3 मंथ से अधिक तक नहीं रह सकता, 3 मंथ तक रह सकता है, 3 महीने से अधिक सिविल प्रिजन में नहीं रह सकता अगर डिक्रीटल अमाउंट 5000 से अधिक है तो। और दूसरा सिचुएशन है कि अगर मान लो डिक्रीटल अमाउंट 2000 से अधिक है, 2000 से अधिक है और 5000 से कम है, मतलब कि 2000 और 5000 के बीच में है, तो फिर कितना टाइम पीरियड के लिए डिटेन रहेगा सिविल प्रिजन में जजमेंट डेटर, तो देखिए क्या कहता है, 6 वीक। देखिए क्या है आंसर इसका, हाँ 6 वीक, 6 वीक 6 सप्ताह के लिए तब रहेगा, समझ में आया बात,
अगर डिक्रेटल अमाउंट 5,000 से अधिक का है और इस डिक्रेटल अमाउंट दैट मीन्स डिक्री को एग्जीक्यूट करने में जब डिटेन किया गया सिविल प्रिजन में जजमेंट डेटर को, तो कितना टाइम बिंग के लिए रहेगा जेल में, सिविल जेल में, तो कहता है नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। और अगर डिक्रेटल अमाउंट 2,000 से अधिक और 5,000 से कम है तो 6 सप्ताह के लिए रहेगा। समझ में आ गया बात। अब देखो इसका तो आगे का जो पैराग्राफ है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कहता है लेकिन प्रोवाइडेड दैट लेकिन ही शैल बी रिलीज्ड फ्रॉम सच डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ द डिटेंशन। मतलब कि प्रोवाइजो क्या कह रहा है, देखो कितना बात को समझना पड़ता है। प्रोवाइजो कह रहा है, कि अगर मान लो कि ये तो बता दिया कि इतना टाइम तक तो वो डिटेन ही रहेगा, इससे अधिक नहीं रहेगा, लेकिन प्रोवाइजो कहता कि नहीं 3 महीना के पहले या 6 सप्ताह के पहले, 3 मंथ के पहले या 6 वीक के पहले भी वो रिलीज हो सकता है जजमेंट डेटर। 3 मंथ के पहले भी रिलीज हो सकता है सिविल प्रिजन से और 6 सप्ताह के पहले भी रिलीज हो सकता है सिविल प्रिजन से। अब शर्त है कि किस सिचुएशन में, तो देखो यहाँ बता भी दिया गया है। कहता है ऑन दी अमाउंट मेंशन इन दी वारंट फॉर हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू दी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दी सिविल प्रिजन। अगर जजमेंट डेटर लिख दे, क्या समझ में आ जाएगा, समझ लीजिए। देखिए डिक्रिटल अमाउंट अगर पेड हो गया, अगर जजमेंट डेटर जब वो सिविल प्रिजन में था उसी दरमियान अगर वो पे कर देता है डिक्रिटल अमाउंट, जितना अमाउंट का डिक्री पास हुआ उसके अगेंस्ट उतना अमाउंट जो है वो अगर दे देता है, किसको देता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दी सिविल प्रिजन को वो दे दिया, तो फिर अगर मान लो 2 महीना में ही दे दिया, अगर 3 महीने तक ही वो रहेगा तो 2 महीना में ही दे दिया, तो फिर उसको एक्स्ट्रा 1 मंथ नहीं रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। या फिर अगर मान लो कि जिस डेट को अरेस्ट हुआ 2-3 दिन के बाद ही दे दिया, अरेस्ट हो डिटेन हुआ 2 दिन के बाद ही दे दिया, तो 3 महीना के लिए रहना नहीं पड़ेगा, 6 सप्ताह रहना नहीं पड़ेगा। तो पहला क्या है कि डिक्रिटल अमाउंट अगर पे कर देता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन को तो वो रिलीज हो जाएगा इन टाइम पीरियड के पहले भी। दूसरा कहता है ऑन दी डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुल्ली सेटिस्फाइड, या किसी भी तरीके से अगर डिक्री सेटिस्फाइड होता है, अदरवाइज डिक्री सेटिस्फाइड अगर डिक्री किसी अन्य तरीके से अगर सेटिस्फाइड हो गया, मतलब जितना अमाउंट का डिक्री पास हुआ था अब वो पूरा हो चुका है, जब डिक्री होल्डर को उसका डिक्री का जो फ्रूट्स है वो मिल चुका है, तो डिक्री किसी अन्य तरीके से सेटिस्फाइड हो गया, तो फिर जजमेंट डेटर को क्या करके रखेगा सिविल प्रिजन में, छोड़ देगा टाइम से पहले, 3 महीना या 6 सप्ताह के पहले ही छोड़ देगा। उसके बाद आता है तीसरा सिचुएशन कि कब टाइम के पहले रिलीज हो सकता है जजमेंट डेटर। तो कहता है ऑन द डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड तो हो ही गया, उसे कहता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन। यहां पे देखो पर्सन का मतलब वो पर्सन जिसकी एप्लीकेशन देने पे डिक्री एग्जीक्यूट हुआ और जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया और डिटेन किया गया उसके बाद, तो अगर वो व्यक्ति रिक्वेस्ट करे कि नहीं छोड़ दीजिए जजमेंट डेटर को, रिलीज कर दीजिए सिविल प्रिजन से, तो वो रिलीज हो जाएगा इस टाइम पे पहले। चौथा कहता है कि ऑन द ओमिशन बाय द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन्ड टू पे सबसिस्टेंस अलाउंस। अगर मान लो या जनरली जो पर्सन होगा कौन होगा, कौन अप्लाई करेगा डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो डिक्री होल्डर ही करता है ना, तो अगर मान लो चौथा कह रहा है कि अगर नो सबसिस्टेंस अलाउंस, अगर मान लो पेड नहीं हुआ डिक्री होल्डर सबसिस्टेंस अलाउंस को पे नहीं किया, आपको बताए भी थे ऑर्डर 21 रूल 39 क्या कहता है कि अगर डिक्री होल्डर सबसिस्टेंस अलाउंस नहीं दिया कोर्ट को, तो फिर अगर मान लो कि जजमेंट डेटर को डिटेन कर भी लिया गया है सिविल प्रिजन में तो छोड़ देगी कोर्ट उसको। तो ये 4 ग्राउंड है, याद रखिएगा कि जजमेंट डेटर को टाइम के पहले रिलीज कर दिया जाता है अगर वो डिटेन कर लिया गया है सिविल प्रिजन में, तो नहीं तो अगर 5,000 से अधिक का है अमाउंट डिक्रेटल अमाउंट
तो उसको कितना टाइम के लिए रखा जाएगा सिविल प्रिजन में, तो नॉट एक्सेडिंग 3 मंथ, और अगर अगर 2 महीना से अधिक का डिक्रिटल अमाउंट है और 5,000 से कम का तो फिर नॉट एक्सेडिंग 6 वीक्स। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पहलू है। अब आते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सेकंड प्रोविजन क्या कहता है, शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन अंडर क्लॉज 2 और क्लॉज 3 विदाउट अध्यक्ष। कह रहा है क्या कि ये जो दो पॉइंट है ना प्रोविजन का, पहला दो एक पॉइंट, दो नंबर पॉइंट, ये दो सिचुएशन में जो जजमेंट डेटर है उसको रिलीज नहीं किया जाएगा सिविल प्रिजन से जब तक इस संबंध में कोर्ट ऑर्डर नहीं कर दे। याद रखिएगा, यही कह रहा है बस सेकंड प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन इतना ही कह रहा है कि ये पहला दो ग्राउंड के अकॉर्डिंग जजमेंट डेटर को रिलीज नहीं कर सकता सिविल प्रिजन से जब तक इस संबंध में कोर्ट आदेश नहीं करता है। तो चलिए, यही है, माफ कीजिए, पहला और दूसरा नहीं है, दूसरा और तीसरा ग्राउंड पे रिलीज तभी होगा जजमेंट डेटर सिविल प्रिजन से जब इस संबंध में कोर्ट आदेश करेगी। यही कहता है प्रोविजो 2, करेक्ट कर लीजिएगा, 2 और 3 का जो ग्राउंड है उस पर बताया गया है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 1A, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, मज़ा आ रहा है तो चलते चलिए आगे, साथ बढ़ते चलिए, साथ देते चलिए, मज़ा आ रहा है तो कमेंट अभी रोक के कमेंट कीजिए, मज़ा आ रहा है तो रोक के कमेंट कीजिए कि सर मज़ा आ रहा है। लॉ को पढ़ना है तो मज़े से पढ़ना है, मज़ा आ रहा है सीरीज में तो कमेंट कीजिए जल्दी से और शेयर कीजिए इसको अपने ग्रुप में। अब आते हैं 1A सबसेक्शन 1A, इसको बाद में जोड़ा गया। अच्छे, कहता है कि अगर मान लो डेक्रिटल अमाउंट मतलब जो डिक्री पास हुआ है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, वो जो उसका जो अमाउंट है अगर 2000 से कम है तो याद रखिएगा कभी भी जब डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो जजमेंट डेटर को डिटेन नहीं किया सकता सिविल प्रिजन में। सीधा कहते हैं, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी शैल बी मेड वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ द डिक्री डज नॉट एक्सीड 2000। सीधा है कि अगर डिक्रिटल अमाउंट 2000 से कम का हुआ तो कभी भी जब डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा अगेंस्ट द जजमेंट डेटर तो एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन नहीं हो सकता है सिविल प्रिजन में जजमेंट डेटर का। सीधा बात, नो बकवास। सबसेक्शन 2, हम आपको संक्षिप्त में भी समझा सकते थे कि हाँ ये कह रहा है समझ लो हो गया, लेकिन नहीं, तोड़ तोड़ के एक एक बात समझाना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट शेयर जल्दी से कीजिए। अब आता है सबसेक्शन 2, जजमेंट डेटर, देखिए बेर एक्ट को निकालिए, देखिए आप भी देखिए, जजमेंट डेटर रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट मेयरली बाय रीजन ऑफ हिज रिलीज बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज डेट बट ही शैल नॉट बी लाइबल टू बी रीअरेस्टेड अंडर डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वॉज डिटेन इन सिविल प्रिजन। सीधा बात कह दिया, अब मान लो कि डिक्रिटल अमाउंट था 5000 रुपया, 5000 से अधिक का डिक्री अमाउंट ऑफ डिक्री जो है पास हुआ था जजमेंट डेटर के खिलाफ, तो वो कितना दिन तक रहेगा सिविल प्रिजन में, 3 मंथ तक रह सकता है, उससे अधिक तो नहीं रहेगा, वो 3 मंथ रह के आ गया तो क्या अब वो लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, अब वो जो डिक्रिटल अमाउंट था वो पे नहीं करेगा डिक्री होल्डर को? ऐसा नहीं है। अगर वो सिविल प्रिजन में गया और रिलीज हो गया, वहाँ से टाइम वो अपना ख़त्म कर लिया 3 महीने या 6 सप्ताह, और उसके बाद वो रिलीज हो गया अगर सिविल प्रिजन से, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब वो उसका जो जिम्मेवारी था, लाइबिलिटी था डिक्रिटल अमाउंट को पे करने का डिक्री होल्डर को, उससे वो बच गया, ऐसा नहीं है। उसको फिर भी पे करना पड़ेगा, उसको पे तो डिक्रिटल अमाउंट करना ही पड़ेगा, बस शर्त क्या है अब कि उसको अब उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में ना तो अरेस्ट किया सकता है ना ही सिविल प्रिजन में डिटेन किया सकता है। ये है सबसेक्शन 2। अगर एक बार वो चला गया है तो दोबारा वो नहीं जाएगा, चला गया है और उसके बाद वो अपना जो टाइम पीरियड था 3 महीना 6 सप्ताह वो रह के आ गया है तो दोबारा तो नहीं जाएगा, लेकिन लायबिलिटी से बच नहीं सकता, उसको पे करना ही पड़ेगा। मजा आया, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सफर को आगे बढ़ाते हुए 59। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो अनअकैडमी पे तो जुड़ जाओ मेरे साथ, बहुत मजा आएगा लॉ में, लॉ को, लॉ से मोहब्बत हो जाएगा आपको, मोहब्बत अभी तो बहुत चीज़ों से होता है ना, लेकिन अब लॉ से होगा मोहब्बत। उन चीज़ों से करनी चाहिए जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाए, उन चीज़ों से नहीं जो आपको आपके लाइफ में पीछे फेल ठेल दे।
देखिए अब आता है आज का लास्ट सेक्शन, रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस। सीधा है कि इलनेस के ग्राउंड पे रिलीज का आदेश हो सकता है। अब जजमेंट डेटर तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, तो क्या उसको फिर भी वही रखा जाएगा सिविल प्रिजन में? नहीं, रिलीज कर दिया जाएगा उसको, लेकिन पूरा बात बताएंगे। ऐसे बोल के चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे आपको। आपको ऐसे, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे ही अच्छा लगता है कि बस मूल बात समझा दिए निकल गया, उससे आप कुछ नहीं सीखिएगा, लॉ कुछ नहीं सीखिएगा, लॉ कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक पूरा नहीं जाइएगा तब तक बेकार है लॉ पढ़ना आप लोग, इसलिए पूरा पढ़िए लॉ को। हर बार आइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। सबसेक्शन वन, जब हम बेरेक निकाल के पढ़ रहे हैं तो आप लोग को भी बेरेक रखिए पास में सुनने के वक्त। कहता है एट एनी टाइम आफ्टर अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेटर हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट मे कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस। मान लो कि कोर्ट ऑर्डर कर दिया, इशू कर दिया है अरेस्ट वारंट। अब मान लो कि कोर्ट इशू कर दिया अरेस्ट वारंट, तो कोर्ट इशू कर दिया है अगर अरेस्ट वारंट को, तो कैंसिल कर देगा। सबसेक्शन वन कह रहा है किस ग्राउंड पे? कि जजमेंट डेटर इल्ड हो गया है, बीमार पड़ गया है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस कैंसिल हो जाएगा अरेस्ट वारंट, अगर इशू हो गया है कोर्ट के द्वारा तो कैंसिल हो जाएगा। सबसेक्शन टू देखिए क्या कहता है, वेयर जजमेंट डेटर हैज बीन अरेस्टेड। अगर मान लो इशू हुआ अरेस्ट वारंट और वो अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट भी हुआ और अरेस्ट कर दिया गया जजमेंट डेटर को, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहती है कि कोर्ट रिलीज कर देगी उसको। अगर अरेस्ट भी कर लिया गया तो अरेस्ट रिलीज हो जाएगा वो, तो कोर्ट में रिलीज हिम इफ इन इट्स ओपिनियन ही इज नॉट इन अ फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू बी डिटेन इन द सिविल प्रिजन। अब वो उस अवस्था में, उसका शारीरिक अवस्था उस तरीके का नहीं है, वो फिट स्टेट में नहीं है, फिट स्टेट ऑफ हेल्थ में नहीं है, उसका शरीर, उसका जो हेल्थ है वो सही नहीं है कि उसको सिविल प्रिजन में रखा जाए। तो अगर अरेस्ट भी हो गया है तो अरेस्ट से वो छोड़ दिया जाएगा उसको, अरेस्ट से अगर कोर्ट ऑर्डर कर देगी तो कोर्ट ऑर्डर करेगी तो किस आधार पर करेगी? कोर्ट को लगना चाहिए कि भैया जजमेंट डेटर का शारीरिक स्थिति सही नहीं है, उसको सिविल प्रिजन में नहीं रखा जा सकता है, ही इज नॉट इन फिट स्टेट ऑफ हेल्थ, देन इन दिस ग्राउंड कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि अरेस्ट हो गया है तो उसको रिलीज कर दो अरेस्ट से। सीधा बात है। एक में था कि जो कैंसिल ही कर देगी, जो इशू की है वारंट कैंसिल कर देगी, अगर इशू कर दी है और अरेस्ट हो गया तो अरेस्ट से रिलीज कर देगी कोर्ट। दोनों में कोर्ट ऑर्डर कर रही है, याद रखिएगा दोनों में कौन ऑर्डर कर रहा है? कोर्ट ऑर्डर कर रहा है। सबसेक्शन थ्री, वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बीन कमिटेड टू दिस सिविल प्रिजन ही मे बी रिलीज्ड देयर फ्रॉम। अब देखो इशू हो गया वारंट, जजमेंट डेटर अरेस्ट भी हो गया और डिटेन हो, अरेस्ट होने के बाद कहां जाता है? सिविल प्रिजन में। सिविल प्रिजन में भी चला गया, वहां से भी वो बाहर आ जाएगा, वहां से भी वो सिविल प्रिजन से भी रिलीज हो जाएगा। सबसेक्शन थ्री कह रहा है तो किस ग्राउंड पर रिलीज होगा और कौन ऑर्डर कर सकता है रिलीज का? तो पहला ए नंबर क्या कहता है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस और कॉन्टाजियस डिजीज। अब यहाँ ए कह रहा है कि अगर वो सिविल प्रिजन में भी डिटेन हो गया है अरेस्ट होने के बाद, तो उसको सिविल प्रिजन से भी रिलीज कर दिया जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे तो। रिलीज का अगर ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट कर दे तो, और स्टेट गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे करेगी? कि जजमेंट डेटर जो है वो इन्फेक्टेड है किसी कॉन्टाजियस डिजीज से, या कोई वायरल डिजीज है उससे प्रभावित है, इन्फेक्शियस डिजीज है हो गया जजमेंट डेटर को, या कॉन्टाजियस डिजीज हो गया जजमेंट डेटर को, तो इस ग्राउंड पे स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी रिलीज का जजमेंट डेटर को। समझ में आया बात? स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है यहाँ पे। बी नंबर पॉइंट नंबर बी के साथ चलिए। कहता है बाय द कमिटिंग कोर्ट और एनी कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सफरिंग फ्रॉम एरियस सीरियस इलनेस। अब यहाँ पे जिस कोर्ट ने डिटेन करने का ऑर्डर करा था, जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में, वो कोर्ट अगर ऑर्डर करे, या वो कोर्ट के ऊपर का जो कोर्ट है डिटेनिंग कमिटिंग कोर्ट के ऊपर का जो कोर्ट है वो अगर ऑर्डर करे, तो वो जजमेंट डेटर रिलीज हो जाएगा सिविल प्रिजन से ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पे? सीरियस इलनेस के ग्राउंड पे। कौन ग्राउंड पे? सीरियस इलनेस के ग्राउंड, ठीक है, सीरियस इलनेस के ग्राउंड पे। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या ग्राउंड था? इन्फेक्शियस या कॉन्टाजियस, करेक्ट। तो समझ में आ गया स्टेट गवर्नमेंट किस ग्राउंड पे ऑर्डर करेगा, और जो कमिटिंग कोर्ट है या कमिटिंग कोर्ट का जो ऊपर का कोर्ट है वो किस ग्राउंड पे रिलीज करने का ऑर्डर करेगा जजमेंट डेटर को? सीरियस इलनेस के ग्राउंड पे, अगर वो डिटेन हो गया है सिविल प्रिजन में। तो यहाँ ये भी समझ में आ गया कि
वारंट अगर इशू हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, अरेस्ट हो गया तो अरेस्ट से रिलीज हो जाएगा, और अगर डिटेन हो गया सिविल प्रिजन में तो सिविल प्रिजन से भी वो रिहा हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सबसेक्शन 3। अब आता है 4 लास्ट, कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा क्या, कोई भी सबसेक्शन छूटा क्या बताएं एक एक बात। लेक्चर को देखोगे तो समझ में आएगा ना, बेरेक्ट को भी कैसे पढ़ रहे हैं सर, कैसे पढ़ के बता रहे हैं, अगर हम भी रखेंगे बेरेक्ट तो हमको भी समझ में आ जाएगा। तो करते क्यों नहीं हो, करिए और शेयर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचे बात। अनअकैडमी पर तो फॉलो कर ही लीजिएगा हमको, अगर चाहते हो अपना करियर लॉ में और बेहतर करना और लॉ का पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर। क्या कहता है 4, जजमेंट डेटर रिलीज अंडर दिस सेक्शन मे बी रीअरेस्टेड बट द पीरियड ऑफ डिटेंशन इन दी सिविल प्रिजन शैल नॉट बी इन दी एग्रीगेट एक्सीड दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 58। सीधा बात है, मान लो कि रिलीज हो गया इस ग्राउंड पे, ये जो ग्राउंड सभी बताया कि किन किन ग्राउंड पे रिलीज हो सकता है जजमेंट डेटर, मान लो रिलीज हो गया, वो 3 मंथ नहीं काटा या 6 वीक नहीं काटा और इस टाइम पीरियड के पहले ये सब ग्राउंड पे रिलीज हो गया, तो क्या उसको दोबारा रीअरेस्ट नहीं कह सकता है? जैसे ठीक हुआ वो, जैसे ठीक हुआ उसको फिर से अरेस्ट रीअरेस्ट किया जाएगा, लेकिन जो रीअरेस्ट होगा और उसके बाद वो डाला जाएगा फिर से सिविल प्रिजन में, तो कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा? उतना ही टाइम पीरियड के रहेगा जो प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 58, 3 महीना या 6 सप्ताह, इससे अधिक नहीं, है ना? समझ में आया सब सेक्शन 4। तो आपका आज का जो टॉपिक था 55 से 59 विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं छूटा, पूरा बता दिए रगड़ के। अब आप लोग भी रगड़ के शेयर पे शेयर मारिए और स्टूडेंट तक बात पहुंचाइए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आपसे इतना उम्मीद करते हैं। और अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट के साथ सफ़र को शुरू कीजिए मेरे साथ। कोई भी समस्या अगर आ रहा है आपको तो फटाक से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, फटाक से इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए कोई भी इनकन्वीनियंस हो रही है फॉलोअप करने में अनअकैडमी पे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, कितना प्यार आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे दिया। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।